नमस्कार। स्वतंत्र जनता राज पार्टी के उम्मीदवार महेंद्र माहौर जी के साथ आज होंगी बात। डीटीवी न्यूज में आप सभी का स्वागत है, अजय कोहली के साथ। तो दोस्तों बता दें हम आपको कि चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं और सभी नेताएं कोई दिल्ली दरबार लगा रहा है तो कोई जनता दरबार लगा रहा है। अब जनता दरबार की बात करते हैं। होडल विधानसभा से ताल ठोक रहे हैं, SJP से चुनाव चिन्ह झूले को लेकर आगे चल रहे हैं और जनता के बीच जा रहे हैं, जनता दरबार लगा रहे हैं और जनता का भी काफ़ी समर्थन उनको मिल रहा है। सबसे बड़ी बात ये देखने में जो आ रहा है कि सभी नेताएं जो हाथ जोड़कर वोट मांगते हैं और सभी को, यानी कि यहाँ पर महेंद्र माहौर कुछ अलग तरीके से अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं, झूले को जनता के बीच पहुँचा रहे हैं और अपनी जो उनका मैनिफेस्टो है, जो उनकी मुख्य बातें हैं जिनके मैनिफेस्टो में लिखी गई हैं और वादे हैं जिनको लेकर जनता के बीच जा रहे हैं कि अब की बार उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान देना है। आखिर चुनावी वादे तो सभी करते हैं, पर यहाँ पर महेंद्र माहौर जी सभी के अपने से उम्र के बड़े लोगों के चरण लेते नज़र आ रहे हैं। जी हाँ, जो हिंदू धर्म में हम आपको बता दें चरण लेकर आशीर्वाद लेते हैं। अब देखना ये होगा कि जनता इस टाइम तो आशीर्वाद देती है, क्या 21 तारीख को उनको आशीर्वाद मिलता है, क्या 21 तारीख के बाद जो 24 तारीख को उनको आशीर्वाद का फल आएगा, क्या उनको जनता वाकई में अब की बार आशीर्वाद देकर विधानसभा में पहुँचाएगी। क्योंकि अभी जो बात कर लें SJP के, जो एक नई पार्टी है और होडल विधानसभा में जो वर्चस्व रहा है वो हमेशा से कांग्रेस और आज़ाद उम्मीदवार ही वहाँ से विधायक चुनता है। अब SJP को लेकर और झूले को लेकर चल रहे हैं महेंद्र माहौर जी, जनता का अच्छा साथ मिल रहा है, पर तय करेगा उनका किस्मत 21 अक्टूबर को और 24 अक्टूबर को उनका। तो बता दें हम आपको, एक टीचर परिवार से हैं, इनके जो पिताजी हैं वो एक टीचर थे, न कि किसी राजनीतिक परिवार से इनका जुड़ा हुआ है। जो हम आपको एक खास बात ये है कि हमारे देश में जो राजनीति कर रहे हैं सभी राजनेता वो नेता, हम देखने को मिलता है कि जो 90% करीब 90% जो नेता होते हैं वो विरासत में उन्हें राजनीति मिली होती है, पर लेकिन यहाँ कुछ अलग है। क्या आपकी बात बदलेगा इतिहास? इनका जो कहना है, इनका बोलना है और इनका नारा है कि अब की बार हम इतिहास बदल देंगे। जनता क्या बदलना चाहती है इतिहास वाकई में देखने को आपको मिलेगा 24 अक्टूबर को, 21 अक्टूबर को।